हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन काफी ईजी क्वेश्चन है, अगर हम एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर CH3, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, KMnO4 और O के ऑक्सीडेशन कराना है, और साथ में इसकी रिएक्शन मुझे HNO3 और H2SO4, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों कि मैंने आपको काफी हद तक एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पहले बता दिया था। नाउ अभी मैंने पहला रिएक्शन KMnO4 के साथ अगर इसका रिएक्शन होगा तो आपका क्या बनता है बच्चों, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा बच्चों, बेंजोइक एसिड। नाउ NO3 ये जो रिएजेंट है वो आपका किसका काम करता है बच्चों, नाइट्रेशन कराने का। तो यहाँ पर नाइट्रेशन होके क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रेशन होगा तो कौन से पोजीशन पे आएगा बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे आएगा, मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन पे। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है, ठीक है। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर टू। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है CH3, इसकी रिएक्शन मुझे KMnO4 के साथ कराना है बच्चों। नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है बच्चों, सोडा लाइम के साथ हीट करना है, ठीक है, सोडा लाइम के साथ हीट करना है। नाउ फ्यूमिंग H2SO4, नाउ हमें क्या क्या यूज करना है बच्चों, फ्यूमिंग H2SO4, और फिर हमको यहाँ पर हीट दे देना है बच्चों। हीट दे के आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपको पता लगाना है बच्चों। काफी ईजी क्वेश्चन है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो H2O कर देना यहाँ पर H2O, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, देखते हैं बच्चों। अब यहां पर वाटर के प्रेजेंस में इसको वाटर कर लेना बच्चों, वाटर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों एक एक करके ध्यान से, तो इसका कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आज ही आपको बताया कि सॉल्यूशन में कि आपको देखो इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ए क्या बन जाएगा बच्चों, इसको ABCD नाम दे देता हूँ, देख लेते। ए आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका बेंजोइक एसिड, जो कि मैंने आज ही बताया। अगर बी में सोडा लाइम कराएंगे तो आपका इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका बेंजीन, अभी बताया। नेक्स्ट सी आपका क्या बनेगा, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर सल्फोनेशन होगा, ठीक है। लेकिन वाटर में हीट कराने पर ये आपका क्या होता है, यहां पर आपका डी सल्फोनेशन वाटर के प्रेजेंस में डी सल्फोनेशन प्रोसेस होगा बच्चों, और यहां पर आपका डी सल्फोनेशन प्रोसेस होगा तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर फिर से आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन। काफी इजी क्वेश्चन था, अगर एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही हम अभी क्वेश्चन करेंगे एरोमेटिक से रिलेटेड, ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, यहां पर मैंने ले लिया CHO, ठीक है। CHO कंपाउंड का रिएक्शन कराना है आपको, ऑक्सीडेशन कराना है, ए बनेगा, ए के बाद आपका NH3 के साथ रिएक्शन कराना है, फिर आपका बी बनेगा, फिर आपको हीट कराना है तो आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पर P2O5 के प्रेजेंस में हीट कराना है तो आपको क्या बनेगा, डी बनेगा। तो आपको ABCD बताना है बच्चों प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखते किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर एल्डिहाइड का जब भी मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर वो आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। नाउ अब मैंने आपको बताया था इसकी रिएक्शन, अब मैंने आपको यहाँ पर इसकी रिएक्शन बताई थी, देखो ये आपका OH, नाउ NH3 के साथ आपका किस तरीके से रिएक्शन करेगा बच्चों, ये आपका NH3 के साथ कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेगा, O-NH4+। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका अमाइड बन जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अमाइड बन जाएगा। ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका सी। अब फिर अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बेंजो नाइट्राइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजो नाइट्राइल। ये मैंने आपको एलिफेटिक वाले में बता दिया था बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इस रिएक्शन को ध्यान दो बच्चों, बेंजो नाइट्राइल बन जाएगा। मैंने आपको एलिफेटिक में बताया था ना कि जब मैं साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मुझे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये मिलता है,
अगर मैं हीट करूंगा P2O5 के प्रेजेंस में एनहाइड्रेट करूंगा तो आपका क्या बन जाएगा, CN कंपाउंड। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इसका मुझे ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कराने के बाद इसकी रिएक्शन ए, यहाँ पर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है, ये आपका हो जाएगा बी। नाउ इसकी रिएक्शन मुझे NH3 के साथ कराना है तो आपका क्या बनेगा सी, सी के बाद आपका यहाँ पर Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराना है तो ये आपका डी। तो आपको ABCD बताना है बच्चों, काफी अच्छे रिएक्शन है। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे बच्चों सॉल्यूशन। देखो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका ए प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपने अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजोइक एसिड। नाउ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन अगर आपने SOCl2 के साथ कराया तो OH ग्रुप हटके Cl लग जाएगा, वेरी इजी रिएक्शन। ठीक है, OH ग्रुप हटके आपका क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा। अब देखो इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा है तो यहां पर जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराऊंगा तो यहां से ये निकल जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका अमाइड बन जाएगा। नाउ अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 और KOH के साथ कराऊंगा तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, यहां पर आपका कौन सा रिएक्शन होगा, यहां पर आप लोग जानते हो इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका एनिलीन बन जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता था, CO2 बाहर निकलता था, उसी तरीके से मैकेनिज्म कराओ बच्चों आपका यहां पर क्या बन जाएगा, एनिलीन। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है, काफी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों ये, इसमें और भी बढ़ा सकते थे लेकिन यहां पर देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड मैंने आपको आज ही बताया, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन थोड़ा आप अगर ध्यान से देखोगे तो वही है। क्या होगा, सबसे पहले NHBr बनेगा, अभी मैंने बताया था NHBr बनेगा, देख लेते हैं यहां पर मैं आपको बता देता हूँ, C6H5CO, यहां पर NHBr बनेगा, फिर सेकेंड स्टेप में HBr का लूज होगा तो आपका C6H5CO, यहां पर आपका इस तरीके से नाइट्रिन बनता था, अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो आपका C6H5CO- डबल बॉन्ड N। नाउ अब ये आपका यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका NC6H5C डबल बॉन्ड O इस तरीके से बन जाएगा। नाउ इसकी रिएक्शन अब मैं KOH के साथ कराऊंगा तो आपका एनिलिन बन जाएगा, तो इस रिएक्शन इसको मैंने ये ऐसे लिखा है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको मैंने बताया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा, तो फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, देखते ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, ये आपका इसके साथ रिएक्शन, देखो फिनोल की रिएक्शन अगर मैंने ZN के साथ कराया, ठीक है ZN के साथ रिएक्शन कराया, नाउ इसकी रिएक्शन मैंने CH3COCl के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में, ये A और B, आपको A भी बताना है बच्चों, तो A भी किस तरीके से होगा बच्चों, डिटेल करते हैं एक बार ध्यान से, तो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन इसका अच्छे से। देखो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में फिनोल आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, बेंजीन में। नाउ अब अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, असाइलेशन, असाइलेशन फिनोमिना, तो यहां पर ये यह आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, असाइल, यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एसीटोफिनोन। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो बच्चों, ठीक है नोमेनक्लेचर आपको ध्यान रखने चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है, काफी ज्यादा टफ रिएक्शंस नहीं होते बच्चों, आप लोगों को लगता है टफ रिएक्शन है लेकिन टफ नहीं होते। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि थोड़ा सा बड़ा लिया है मैंने, उसको देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, CH3COOH एसिटिक एसिड की रिएक्शन आपको SOCl2 के साथ कराना है, फिर आपका ए बनेगा, ठीक है, और ए की रिएक्शन आपको C6H6AlCl3 के साथ कराना है। नाउ आपका यहाँ पर बी प्रोडक्ट बनेगा,
अब बी की रिएक्शन आपको पीएच एमजीबीआर के साथ कराना है, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस भी कराना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सी बनेगा, आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी। फिर आपका डी, डी में क्या करना है आपको, हीट करना है। हीट करके नाउ रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराना है। अब आपका यहाँ पर ई बनेगा। तो आपको इसमें प्रोडक्ट बताने, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। देखेंगे तो आपको देखने में अभी आपको सारे रिएजेंट याद होंगे, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये एकदम कंसेप्चुअल है। देखो सॉल्यूशन समझते हैं एक एक करके। देखो एसिटिक एसिड का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा SOCl2 के साथ, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर, CH3COCl बन जाएगा। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैंने बेंजीन के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में कराया, तो अभी अभी मैंने रिएक्शन कराया, यही रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, तो काफी इजी रिएक्शन है। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, COCH3। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराया, PHMGBr के साथ, ठीक है, तो ये यहाँ टेक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो CO माइनस यहाँ पर PH, यहाँ पर MgBr, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, CH3। नाउ अब देखो इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं इसकी जगह PH लिख रहा हूँ, इसकी जगह PH लिख रहा हूँ, PH लिख दिया, COH CH3, ये आपका हो जाएगा बच्चों आपका सी प्रोडक्ट। नाउ इसको मैं अगर हीट करूंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां से ये निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा, तो आपका क्या बनेगा, PHCPH डबल बॉन्ड CH2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब एल्कीन का ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन आपको किस तरीके से करना है मैंने आपको बता चुका हूं बच्चों। तो यहां पर अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो यहां पर आपको क्या बन जाएगा, यहां पर आपका ये बन जाएगा, और यहां पर CH2 होने की वजह से यहाँ पर आपका कौन रिलीज हो जाएगा, CO2, ठीक है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन है बच्चों, कौन सा फ्रेगमेंट है मैंने आपको अभी अभी बताया था, बेंजोइक कार्बोक्सिलिक में इसका ऑक्सीडेशन करना भी मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, एक और रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। अब हम ध्यान से देखो सेवंथ रिएक्शन, सेवंथ रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर PHCOOH, इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराना है, आपको बनेगा ए। फिर आपको हीट कराना है, फिर आपका बनेगा बी, ठीक है। बी की रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है बच्चों, Br2 और KOH के साथ, तो आपका बनेगा सी। फिर आपको इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराना है, आपको क्या बनेगा, डी। नाउ इसकी रिएक्शन आपको CuCN के साथ कराना है, तो आपका बनेगा यहाँ पर ई। फिर इसका मुझे हाइड्रोलाइसिस कराना, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एफ। तो आपको सारे प्रोडक्ट बता रहे बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, अगर एक दो बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले NH3 के प्रेजेंस में ये आपका PHCO O- NH4+, ये आपका ए बन गया, अमोनियम सॉल्ट। नाउ इसको मैं अगर हीट करूंगा तो PHCO NH2, ये आपका क्या बन गया बच्चों, बी अमाइड, ये मैंने रिएक्शन बता रखा है आपको। अब देखो Br2KOH के साथ फिर से आपका कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था। यहां पर आपका क्या बन जाएगा, PHNH2, और साथ में आपका CO2 रिलीज होगा, ये आपका सी बन गया। अब सी की रिएक्शन अगर आपने NaNO2 और HCl के साथ कराया, तो आपको पता है बच्चों डाई एजोनियम सोल्ट बनता है, PHN2+Cl- बन जाएगा। नाउ इसकी रिएक्शन अगर आपने CuCN के साथ कराया, तो आपको पता है सेंडमेयर रिएक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर PHCN बन जाएगा। अब PHCN का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, फिर से आपको PHCOOH बन गया। देखो जो मुझे पूछा था वही मैंने वापस से बना लिया, इस तरीके से हमारा रिएक्शन डील होगा बच्चों। यह हमारा क्या होगा बच्चों,
ये हमारा यहाँ पर डी कंपाउंड, डी के बाद ये हो जाएगा ई, और ई के बाद ये हो जाएगा एफ। अब आपसे पूछेगा एफ और यहाँ पर एफ और है ना आपके रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ सकता है, क्या ये सिमिलर होगा क्या ये डिसिमिलर होगा, ऐसा भी आपका ऑप्शन आ सकता है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफी इजी थे बच्चों, ये बस आपका एक है ना प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को एक दो बार और देखे, जिससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।